ऑलवेज रेडी हो। और वो विरार का संडे का साइकिलिंग का, साइकिलिंग का भी करनी है। अरे वो आगे वाला दे रहा था 300 में, बट इस बार पहली बार जा रहे हैं और फिर से नाम भूल गया मैं, क्या था वो, पसंद ही नहीं आ रहा है। और जो पसंद आ रहा है वो बजट में नहीं आ रहा है, तो ये सीन तो होना ही। हे वेलकम बैक, मैं बोलता रहता हूँ ना कि आज लो फील कर रहा हूँ, नहीं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और फिर आज अच्छे से व्लॉगिंग करूँगा और अच्छा दिन जाएगा, या तो फिर मूड नहीं कर रहा है मेरा आज व्लॉगिंग करने का। हाँ अगेन, व्लॉग के लिए मूड बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपका मूड ही नहीं होगा तो आप बराबर से व्लॉग नहीं कर पाओगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरा मूड अच्छा नहीं होगा ना तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पाता हूँ, मतलब व्लॉग ही नहीं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो अगेन व्लॉग के लिए मूड बहुत ज़रूरी होता है, बट फिलहाल अभी फिर से लो फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब ये ऐसे साइकिल ही हो गई है कि एक दिन बहुत अच्छा जाता है, फिर दूसरा दिन बहुत बुरा जाता है, फिर लो फील होता है, फिर बाद में दूसरे दिन बहुत अच्छा फील होता है, मतलब ये होता रहता है ये तो। दूसरी बात, आज पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, मीन्स कॉलेज जाने वाला हूँ या नहीं, या फिर कहीं घूमने जाने वाला हूँ, मतलब आज का शेड्यूल मुझे भी कुछ पता नहीं है, मतलब क्या क्या होने वाला है, बट जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, ये तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, क्योंकि फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं एक बार व्लॉग में मैं बोल चुका हूँ कि बार बार बोलने से ऐसा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं ऐसा बार बार बोलते रहता हूँ कि अच्छा ही करूँगा ये, और अच्छा ही करता हूँ। और जस्ट अभी सो के उठा हूँ, अभी बज रहे 12, एक्चुअली अभी वेकेशन चल रहे कॉलेज के, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए, कल चालू हो जाएगा। और मैंने अब भी बोला ना कि कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं, मतलब लेक्चर नहीं है, एक्चुअली कुछ काम था कॉलेज में, इसीलिए जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं तो घूमने जाऊंगा, पता नहीं। अभी जस्ट उठा हूँ तो कॉफ़ी मारता हूँ, फिर नहाता हूँ, और बाल भी बराबर से सेट नहीं है, ये तो अभी वीडियो चालू किया इसीलिए मैंने थोड़ा कुछ ऐसा सेट करके रखा है, बट बाद में बराबर सेट कर दूंगा उसे। और यही मैंने टी शर्ट डाला है जो ग्रुप डे पे लिया था मैं, एक्चुअली इसे मैं पहनता नहीं हूँ बाहर कभी भी जाने के टाइम, क्योंकि अभी ये बहुत टाइट हो रहा है, मुझे पहले लगा था कि ये बहुत लूज होगा, बट अभी ये बहुत ही टाइट हो रहा है, तो इसे मैं सिर्फ घर पे डालने के लिए यूज़ करता हूँ और जिम में कभी कभार, बस ये दो ही जगह पे, इसे बाहर डाल के जाता नहीं हूँ, बाहर तो अपने पास है बहुत सारे, वही डाल के जाता हूँ, बट मुझे लगा ही था कि ये मैं बार बार यूज़ नहीं करूँगा बस वो ग्रुप डे के लिए, बट बाद में ठीक है थोड़ा जिम में पहन के जाता हूँ तो वो चल जाता है, थोड़ा कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है। मुझे पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या सब क्रिएटर के साथ होता है, अभी मेरी जो स्टोरेज है वो फुल है और मोबाइल अच्छा खासा चल रहा है, तो अभी सीन क्या हुआ कि मैं गया था डायमेंशन की आफ्टर पार्टी रखी थी थाना में, क्लब में MH04 में, तो वहाँ पर मैं गया था और जो भी सीन हुआ था वो मैंने शूट किया था, मतलब ज़्यादा भी नहीं थोड़ा शूट किया था, सोचा था कि वो थोड़ा कुछ शूट किया ना तो वो किसी एक ब्लॉग में मैं ऐड कर दूंगा, बट वो क्लिप गायब हो गए, मतलब डिलीट हो गए कैसे मुझे पता नहीं, और वही नहीं और भी बहुत सारे क्लिप है वो मिले ही नहीं मुझे। बस यही दिन के नहीं, मैं गोवा भी गया था, मैंने शायद स्टोरी भी अपलोड की थी इंस्टाग्राम पर, ये भी मेरे क्लिप्स थे, मतलब जितना भी मैंने शूट किया था गोवा में शायद 2-3 दिन का, तो वो भी फुटेज मुझे मिला ही नहीं है, मतलब था मेरे फ़ोन में, मैंने सोचा था कि बाद में कभी एडिट कर देंगे, क्योंकि अभी मेरे पास 3-4 व्लॉग है पड़े, तो उसे मैं निकाल दूंगा और उसे आराम से एडिट कर देंगे, और वो कहाँ पर चले गए मुझे पता भी नहीं, फोन को कुछ किया भी नहीं बट वो डिलीट हो गया, अभी किसने किए डिलीट या कैसे हो गए पता नहीं, सब डिलीट हो गया, और उसके कारण मतलब कुछ व्लॉग आए नहीं, कुछ व्लॉग अपलोड ही नहीं हुए, क्योंकि फुटेज ही नहीं है, आधे फुटेज है आधे नहीं है, तो आधे फुटेज से क्या करूँ। और मैं काफ़ी व्लॉग में बस यही बोलते जा रहा हूँ कि हम घूमने जाने वाले हैं, हमारा ग्रुप जाने वाला है, साइकिलिंग पे जाने वाला है, या यहाँ पर जाने वाला है वहाँ पर, अभी तक कुछ फिक्स ही नहीं हुआ है, और कोई कुछ सीरियसली नहीं ले रहा है, मतलब प्लान तो बन रहे बट हम लोग कैंसिल ही करते जा रहे, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, इसका ये काम आ गया, वो काम आ गया, तो वो कुछ फिक्स ही नहीं हो पा रहा है, तो पता नहीं कि कब जाएंगे, बट जाएंगे जरूर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, मतलब किधर घूमने ही नहीं गए, और बार बार क्या ही कॉलेज पे व्लॉग बनाऊंगा। हाँ मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि मैं खाली बस कॉलेज के ऊपर ही व्लॉग नहीं बनाता हूँ, आप बराबर मेरा देखो वीडियो कंटेंट देखो कि सिर्फ कॉलेज पे नहीं होता है, कि मैं क्या क्या एक्टिविटी करता हूँ और क्या क्या हो रहा है वो बताता हूँ। हाँ कॉलेज के ऊपर होता है बट वो पूरा कम्प्लीटली कॉलेज के ऊपर नहीं होता है, आप जरा बराबर से वीडियो देखो फिर वो समझ में आ जाएगा। एक हफ्ते तक मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम बाहर जा सकते,
घूमने के लिए, क्योंकि करण, स्वप्निल और लोकेश ये सब गए कैंप पे कॉलेज के, पता नहीं किधर गए, बट एक हफ्ते के लिए कैंप गए। तो बढ़िया। जो अपनी टीम है वो गई है तीनों की, तो कोई नहीं, वो आने के बाद कुछ तो फिर से प्लान बनाते, बट जाएंगे जरूर, पता नहीं कहाँ पर कहीं तो घूमने जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार और बोर भी हो रहा है, तो जाना तो है। देखो ये व्लॉग कभी आएगा मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी तो मेरे डायमेंशन के व्लॉग ही जा रहे हैं, डायमेंशन फेस्ट के व्लॉग, तो वो मेरा व्लॉग है ना वो 40 मिनट्स का बना है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि 40 मिनट का ही अपलोड कर दूँ या दो पार्ट करूँ उसका 20-20 मिनट का, तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला कि 40 मिनट का करूँ या 20-20 मिनट का करूँ, और मेरा एक्सपेक्टेशन थे कि पब्लिक बोलेगी 20-20 मिनट ही करो, बट बहुत लोग ने वोट किया 40 मिनट को, तो बट फिर भी मैं 40 मिनट नहीं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 40 मिनट बहुत बड़ा हो जाता है और कोई देखेगा नहीं, मुझे भी पता है, तो इसीलिए मैं सही डिवाइड कर रहा हूँ दो पार्ट में, एक 20 मिनट का और दूसरा 20 मिनट का। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में है या तो फिर आपके स्क्रीन पे पॉपअप होता रहेगा, तो जाके फॉलो कर दो फटाफट। को जितना भी आपने अभी तक देखा वो कल मैंने शूट किया था, मतलब आखिरी फुटेज के बाद मैंने शूट कुछ किया ही नहीं, आज शूट कर रहा हूँ। और आज कॉलेज जाके भी आया, जो काम था वो निपटा के भी आया, और अभी मैं कांजू स्टेशन में हूँ। और करण और स्वप्निल भी आ गए कैंप से आज ही, तो वही CST जा रहे। वो घूमने नहीं जा रहे, मतलब घूमने जाने वाले थे बोला, वो घूमना मतलब ये घूमना नहीं है, बस ऐसे ही जा रहे CST, कुछ काम है तो वो वहाँ पर जाके बताता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, तो बस अभी वो आते ही निकल जाते हैं। हाँ तो भाई अभी बज रहे 4 और हम लोग CST पहुँच गए, और अभी हम लोग जा रहे किधर जा रहे थे अपन, कोलाबा मार्केट, तो वहाँ से ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करके आएंगे, मतलब शूज़ लेना था वो भी ले लूँगा, और टी शर्ट शर्ट या उड़ी वुड़ी कोई भी पसंद आता है तो वो ले लूँगा, देखते हैं कि क्या क्या पसंद आता है, बट पसंद आना चाहिए वो मैंने। देखो CST बहुत बार आया है, और CST आके अगर कुछ भी खरीदना होता तो FS में ही जाते, बट इस बार पहली बार जा रहे, और फिर से नाम भूल गया मैं, क्या था वो मार्केट का नाम, कुलाबा मार्केट। हाँ तो उधर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, और पता भी नहीं है हमें कि है किधर वो, तो हर बार की तरह वही कर रहे हैं अपन जो करते, कुछ लोग को पूछ रहे और गूगल मैप जिंदाबाद, तो वही करके देखते जाते और कुछ ना कुछ तो खरीद के लेके आएंगे, क्योंकि अभी भी 3 घंटा स्पेंड किया है तो उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो खरीद के आ ही जाएंगे, देखते। अभी सीन क्या है कि घूम लिया, बहुत घूम लिया, और शूज़ लेना था मुझे तो एक दुकान में गया, बट मतलब एक ही नहीं दो तीन दुकान में गए, बट कलेक्शन इतना अच्छा नहीं है, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। एक लेना तो है शूज़, एक है एक लिया है मैंने, बट एक और एक चाहिए, दो होते हैं ना तो एक बेटर होता है वो, लाइक 3 दिन ये डालो 3 दिन वो डालो, तो एक लेना है, बट कलेक्शन ही नहीं है, अच्छा ही कलेक्शन नहीं है, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, और जो पसंद आ रहा है वो बजट में नहीं आ रहा है, तो ये सीन तो होना ही है और होता ही रहता ही है, बट देखते और भी शॉप घूमते। अभी फ़िलहाल तो एक शॉप में एक दोस्त गया है, वो ले रहा है कुछ, तो एक ये शूज़ है, बट एक दूसरे भी लेने हैं, ये गंदे भी हो गए यार, 2 दिन हुआ है बस इसे लेके, बट ये गंदे भी हो गए, क्या हुआ है, लिया कुछ पसंद नहीं आया, ये ना इसके साइज का कुछ भी नहीं मिलता है, ये नखरे हर बार का है तेरा, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं, एक तो लेस नहीं है शूज को, फिर भी टाइम लग रहा है तुझे डालने के लिए, मतलब क्या ही तू टाइम पास आदमी है। चलो तो अभी CST में थे, अभी घाटकों पर आ गए, क्योंकि वो कौन सा मार्केट था फिर से भूल गया, कोलाबा मार्केट। हाँ उधर तो कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं था तो उधर कुछ लिया नहीं, और इधर भी मैं कुछ लूंगा नहीं, बस इसे एक जीन्स लेनी है करण को, तो बस वो एक जीन्स लेगा, इधर से उठाएगा और इधर से चले जाएंगे बस। अरे कितने का लिया, कितने का दिया 400 कम नहीं है, कम नहीं है, अरे वो आगे वाला दे रहा था 300 में, दो ना उस मार्केट से बस ये एक वॉच अच्छी लगी तो ये उठा ली, कुछ 200 की है, एक भी नहीं थी वॉच मेरे पास इसीलिए ये उठा दिया, और अभी ये और इधर टाइम पास करेगा। किधर गया ये, वो CST जाने से अच्छा पहले घाटकों पर ही आके चले जाते तो वो आज बेहतर था,
हाँ खाली मुकुट इतना दूर जाके, वैसे भी अपन ने कितने बार ऐसे किया है, कितने बार हुआ है कि जो लेना होता है ना तो वो हम एकदम दूर लेने जाते, बट वो होता तो पास में ही है। लाइक कितने बार तो हम CST गए FS में कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा बजट में और ये वगैरह, बट मिलता है कुर्ला या घाटकोपरी, मतलब आसपास ही मिल जाता है, तो खाली मुकुट अपन इतना दूर जाते हैं। वैसे मेरे पास है नहीं तो मैं एक उठा ही लेता फिर। मेरा इंटेंशन था शूज लेना है और लिया क्या मैंने ये वो, ठीक है अच्छा है कोई नहीं, बट शूज लिया नहीं ना अभी तक मैंने। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था कि अपन किधर ऐसे बाहर घूमने गए नहीं है, बहुत दिन हो गया, मतलब गायमुख लास्ट था, वो भी इतना खास नहीं था, तूने प्लान किया था तो कुछ ऐसा, मतलब जाते हैं ना अपन किधर जो कुछ तो प्लान करते। एलिफेंटा नहीं गया अपना, एलिफेंटे का कब से प्लान चल रहा है, जाते रेडी हो। और वो विरार का संडे का साइकिलिंग का, साइकिलिंग का भी बन रहा है कब से, वो तो जा ही नहीं रहा है। अरे विरार का तूने बताया था ना, वीडियो भेजा था मुझे, अरे उधर पीसफुल जगह है उधर, हाँ वो जो भी है साइकिलिंग का कभी जाएगा। ज्यादा हार्ड वर्क क्या है पता है, साइकिल मैनेज करना, वो मैंने पहले भी बताया कि साइकिल मैनेज होती नहीं है जल्दी, क्योंकि आपने हाँ वही वो आपने कोई भी कुछ भी बोल दो, कौन सा भी वर्ड बोल दो, एक ही है मीनिंग, तो एक ही होने वाला है। अरे अंकल कुछ नहीं हो तो छोड़ो, ठीक है चल भाई कुछ तो प्लान बना, अपन जाते हैं जाते, चलो विहार लेक मला काय नाही, साइकिल अरेंज करा, करना अरेंज करा काय, करून दे साइकिल अरेंज करू, मग काय मग कसला मित्र तू, मस्त हे मस्त काय, काहीतरी कामाला ये, कुठल्या कामाला आलास का, कर अरेंज ते आयटमची नंतर बोल। इथे आता ब्लॉग चालू आहे ते बघ पहिला, आणि सगळे आपल्यालाच बघून चाललेत, फोन घेऊन नको जायला बस तेवढं खेचून। अरे बस काय फोन खेचून घ्यायचं, आपण ठेवतो कसं, हा ते पण तेही वेगळी गोष्ट आहे। मी काय बोल रहा हूँ, क्या क्या किया तुम लोग ने कॅम्प में, क्या मजा किया, बस मुझे मुझे इसको इसने मुझे एक बार फोन किया था, मुझे सब सुनाई दिया, उधर भी जाके तुम लोग पानी भर रहे थे, नल का पानी, ये बोल रहा था ये नल का पानी ले गया, ऐसा कुछ तो सुना मैं, क्या है कि कैंप में जाके बस नल का पानी भरने गए थे क्या। हाँ सुबह से तो 50 बार इस शूज के लेस बांध चुका हूँ, इतना प्यार से बांधा, इतना टाइट बांधा, बट फिर भी 5 मिनट के बाद निकल ही जाता है, इसे एक बार बांध करना थक गया हो भाई, मतलब कितना बांधने का भाई, कितना भी अच्छे से डालो, कितना भी अच्छे से बांधो वो निकल ही जाना, इधर से रास्ता निकल रहा है भाई, उड़ा देता मुझे अभी, मैं तेरे भरोसे पे चल रहा हूँ। मार्केट का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, मैंने माइक लगाया भी नहीं, तो मैं बाद में बात करता हूँ, ये ले इसका कभी और दिन टॉपिक निकालते हैं। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद अब चल।